अभिनंदन को नहीं लौटाता पाकिस्तान तो बुरा होता अंजाम। पूर्व उच्चायुक्त अजय बिसारिया का बयान। अजय बिसारिया ने भारत पाकिस्तान रिश्तों पर एंगर मैनेजमेंट द ट्रबल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान शीर्षक से किताब लिखी है। बालाकोट आतंकी हमले के दौरान पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त रहे पूर्व राजनयिक अजय बिसारिया ने खुलासा किया है कि यदि उस समय पाकिस्तान भारत के अभिनंदन वर्तमान को रिहा नहीं करता तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते थे। अजय बिसारिया ने समाचार एजेंसी एनी से बातचीत में कहा, पुलवामा हमले के ठीक बाद मैं भारत आया था और उस टीम का हिस्सा था जो स्थिति की निगरानी कर रही थी। उस समय भारत की ओर से पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश गया था कि अगर पायलट अभिनंदन को वापस नहीं किया गया तो भारत आगे की कार्रवाई के लिए तैयार है। हमने पाकिस्तान से जो कुछ भी सुना और हमारी जो भी बातचीत हुई उससे हमें विश्वास था कि पाकिस्तान हमारे पायलट को लौटाने जा रहा है। बदनावर के कार सेवकों की दास्तां, पैदल चलने से पड़े छाले, 3 दिन तक रहे भूखे। अयोध्या में कार सेवा के दौरान धार जिले के बदनावर क्षेत्र से भी कार सेवक पहुंचे थे। अयोध्या में 22 जनवरी को हिंदू धर्म के आराध्य भगवान श्रीराम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। गत 30 साल में राम जन्मभूमि मंदिर का मामला इतने घटनाक्रमों से गुजरा जितना पिछले 500 सालों में नहीं हुआ। 1980 में विहिप द्वारा राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत की गई। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में रखा जाएगा रतलाम में बना 5 किलो का चांदी का दीपक, मकर संक्रांति के दिन प्रज्वलित करेंगे। रतलाम से अयोध्या, अयोध्या लेकर पहुंचे भक्तों ने समिति को भेंट किया। रतलाम में बनाया गया 5 किलो चांदी का श्रीराम अखंड ज्योति दीपक अयोध्या के प्रभु श्रीराम मंदिर के गर्भगृह में रखने का निर्णय अखिल भारतीय श्री सीताराम नाम बैंक के व्यवस्थापक पुनीत रामदास, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष मंत्री गोपाल नृत्यदास और श्रीराम जन्मभूमि के महासचिव चंपत राय ने किया है। रतलाम से दीपक लेकर पहुंचने पर सभी ने अखंड दीपक को देखकर खुशी जाहिर की। अयोध्या में विराजेंगे रामलला, विस्थापन के इंतजार में धार जिले में कोटेश्वर के राम, धार जिले में नर्मदा किनारे कोटेश्वर तीर्थ पर स्थित राम मंदिर को नए स्थान का इंतजार। अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है, लेकिन यहां नर्मदा किनारे कोटेश्वर तीर्थ के शासन संधारित श्री राम मंदिर में विराजित जगत के तारणहार के नए मंदिर व नए तीर्थ के लिए जगह तय नहीं हो पा रही है। यही वजह है कि सरदार सरोवर बांध से प्रभावित तीर्थ और मंदिर 7 वर्ष में 4 बार नर्मदा में जलमग्न हो चुके हैं। इस बार भी भगवान श्रीराम के साथ अन्य मंदिर 121 दिन तक नर्मदा में जलमग्न रहने के बाद फिर नजर आने लगे हैं। खजुराहो में न रेल सुविधा न हवाई, रात को नहीं मिलते साधन, विदेशी पर्यटकों ने बनाई दूरी। खजुराहो में यातायात के साधनों का अभाव है, यहाँ न रेल सुविधा है न हवाई सुविधा, ऐसे में विदेशी पर्यटक खजुराहो से दूरी बना रहे हैं। देश दुनिया में विख्यात छतरपुर जिले का खजुराहो अपनी पहचान का मोहताज नहीं। खजुराहो में आकर दुनिया भर के लोग आनंद महसूस करते हैं और ऐतिहासिक धरोहरों का दीदार करते हैं, लेकिन उनके चेहरों पर पसीना तब आ जाता है जब खजुराहो आकर वह खुद को घिरा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि इस अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी में बेहतर रेल सुविधा या अत्यधिक हवाई सेवाएं नहीं मिल पाती। डीजे बजाने वालों के लिए मोहन सरकार का खास प्लान, दूसरे रोजगार से जोड़े जाएंगे युवा, अधिकारियों को निर्देश। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने डीजे बजाने के कार्य में लगे युवाओं को अन्य रोजगार से जोड़ने के लिए अधिकारियों का निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने डीजे संचालन के कार्य में लगे युवाओं को अन्य रोजगार से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। यादव सोमवार को धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों को तय नियमों के विपरीत बजाए जाने पर की गई कार्रवाई की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने यह निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि डीजे संचालन के कार्य में लगे युवाओं के पुनर्वास के लिए उन्हें विश्वकर्मा योजना का लाभ दिलाया जाए, साथ ही नगरीय निकायों के साथ मिलकर रोजगार की अन्य योजनाएं संचालित करने के लिए कार्य योजना बनाई जाए। मंत्री बोले, घूंघट हटा दो, महिला का जवाब ये मर्यादा का प्रतीक। ग्राम पंचायत बरखेड़ा कछवा में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में स्वसहायता समूह से जुड़ी हितग्राही महिला को मंत्री प्रहलाद पटेल ने टोका था। बाद में मंत्री ने महिला की सराहना भी की।
विकसित भारत संकल्प यात्रा में पहुंचे पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने जब घूंघट ओढ़कर सफलता की कहानी सुनाती एक लाभार्थी महिला को घूंघट को लेकर टोका तो महिला ने मन से ही जवाब दिया कि ये घूंघट मर्यादा का प्रतीक है, इसलिए वह इसे नहीं हटा सकती। बाद में मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपने संबोधन में महिला के साहस की सराहना भी की। विधायकों का दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम शुरू। विस अध्यक्ष नरेंद्र तोमर ने कहा, सदन में बात रखते समय जोश दिखाएं, पर वो होश से नियंत्रित हो। नवनिर्वाचित विधायकों के लिए मप्र विधानसभा में आज से शुरू हो रहे दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। सदन में भूमिका और आचरण कैसा हो, जनहित के मुद्दों को कैसे नियम प्रक्रिया के अंतर्गत उठाया जाए, बजट चर्चा में किस तरह बात रखें और अन्य विधायी कार्यों की क्या प्रक्रिया है, ऐसे कई पहलुओं को मध्य प्रदेश के विधायक जानेंगे। इसके लिए विधायकों का दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम मंगलवार सुबह 11 बजे विधानसभा के मानसरोवर सभागार में शुरू हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शाजापुर में पथराव मामले में दो दर्जन के खिलाफ FIR, 8 लोगों को हिरासत में लिया। सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि शाजापुर में शांति बनाए रखने के लिए अगर किसी का घर भी तोड़ना पड़े तो कार्रवाई की जाएगी। शाजापुर में सोमवार शाम निकली यात्रा पर पथराव को लेकर पुलिस ने करीब दो दर्जन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इस मामले में 8 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। शाम को हिंदू संगठन के सदस्य शाम को फेरी निकालकर अयोध्या के नवनिर्मित मंदिर में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए पीले अक्षत बांट रहे थे। इस दौरान वे श्री राम धुन भी गा रहे थे, इसी दौरान उन पर पथराव हो गया। पुलिस केवल लेफ्ट टर्न फ्री, रॉन्ग साइड चलने पर अंकुश व सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करा दे। व्यापारियों ने यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव देते हुए कहा कि अगर पुलिस लेफ्ट टर्न फ्री, रॉन्ग साइड वाहनों का दौड़ना, तेज हॉर्न व अतिक्रमण मुक्त मार्ग को प्राथमिकता पर रखे तो काफी हद तक ट्रैफिक की बिगड़ती व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में रविवार को शहर की यातायात एवं कानून व्यवस्था पर पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल की मौजूदगी में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में व्यापारियों ने यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव देते हुए कहा कि अगर पुलिस लेफ्ट टर्न फ्री, रॉन्ग साइड वाहनों का दौड़ना, तेज हॉर्न व अतिक्रमण मुक्त मार्ग को प्राथमिकता पर रखे तो काफी हद तक ट्रैफिक की बिगड़ती व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। इंदौर महापौर की चेतावनी, सांता क्लाज और क्रिसमस ट्री लगा सकते हैं तो राम मंदिर की प्रतिकृति लगाने में क्या दिक्कत। महापौर ने कहा, ऐसे लोगों को जनता खुद देख लेगी। इंदौर में 14 जनवरी से 22 जनवरी तक पूरे शहर को राममय करने की तैयारी की जा रही है। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर इंदौर नगर निगम ने पूरे शहर को राममय करने की तैयारी कर ली है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने करीब एक पखवाड़े पहले शहर के सभी बड़े शॉपिंग मॉल, संस्थान, व्यावसायिक संगठनों, रहवासी संघों के पदाधिकारियों से आग्रह किया था कि वे 14 जनवरी से 22 जनवरी तक अपने यहां राम मंदिर की प्रतिकृति लगाएं और शहर को राममय करने में योगदान दें। इंदौर में ऊंचे दामों पर ग्राहकी अटकने से सोने चांदी में आंशिक गिरावट, जाने आज के दाम। विदेशों में ज्यादा मंदी की स्थिति नहीं बन पाने पर भारतीय बाजारों में भी दोनों मूल्यवान धातुओं में लंबी मंदी नजर नहीं आ रही है। सोने और चांदी के गहनों में ऊंचे दामों पर ग्राहकी अटकने के कारण सप्ताह के पहले ही दिन दोनों धातुओं में आंशिक गिरावट दर्ज की गई। ज्वेलर्स का मानना है कि बाजार में वैवाहिक सीजन की ग्राहकी दिखाई देने लगी है, ऐसे में दाम घटे तो ग्राहकी बढ़ेगी। हालांकि लंबी मंदी नजर नहीं आ रही है। अंधाधुंध हो रही बिजली चोरी पर लगाम लगाएंगे स्मार्ट मीटर। 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी कंपनी। बिजली चोरी रोकने के लिए कंपनी अब स्मार्ट मीटर का सहारा लेगी। इसके लिए 2 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। मुरैना में बिजली चोरी का ग्राफ 85% तक जा पहुंचा है। इस पर अंकुश लगाने के तमाम प्रयास, कार्रवाई अब तक अप्रभावी रही, इसलिए बिजली कंपनी तक आधुनिक तकनीक के जरिए बिजली चोरी रोकेगी। करीब 2 अरब रुपए की लागत से बिजली नेटवर्क को हाईटेक व विस्तारित किया जाएगा। इसमें सबसे अहम है स्मार्ट मीटर। छत्तीसगढ़ में मेडिसिन की HOD पर डॉक्टर से गाली गलौज करने और धक्का देने का आरोप।
आम्बेडकर अस्पताल का मामला, डा वर्मा ने मामले की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की, जिससे भविष्य में किसी अन्य डॉक्टर और कर्मचारी के साथ इस तरह का व्यवहार न हो। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अस्पताल में सुबह से ही मरीज इलाज के लिए पहुंचे हुए थे। राजधानी के आम्बेडकर अस्पताल में मेडिसिन विभाग की विभागाध्यक्ष एचओडी डा देवप्रिया लाकरा द्वारा आपात चिकित्सा अधिकारी डा विनय वर्मा से दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया है। डा वर्मा ने इसकी लिखित शिकायत अस्पताल अधीक्षक डा एसबीएस नेताम से करते हुए कार्रवाई की मांग की है। इस विवाद का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें डा वर्मा को डा लाकरा धक्का देते हुए दिखाई दे रही है। रायपुर में 11 समेत प्रदेश में मिले कोरोना के 12 नए मरीज, 2 की मौत। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 12 नए मरीजों की पहचान हुई है, जिसमें रायपुर के 11 और बस्तर का एक शामिल है। रायपुर में कोरोना संक्रमित 2 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है। प्रदेश में कोरोना वायरस ने एक बार फिर लोगों को डराने लगा है। महामारी से संक्रमित लोगों की दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की संख्या 125 हो गई है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 12 नए मरीजों की पहचान हुई है, जिसमें रायपुर के 11 और बस्तर का एक शामिल है। रायपुर में कोरोना संक्रमित 2 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय पाटन सदन पहुँचे। पूर्व सीएम भूपेश के पिता दिवंगत नंद कुमार बघेल को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री साय ने पूर्व मुख्यमंत्री बघेल एवं उनके परिजनों से भेंट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और ईश्वर से उनके परिवारजनों को इस असीम दोह को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर स्थित पाटन सदन पहुँचे। उन्होंने पाटन सदन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता स्वर्गीय नंद कुमार बघेल के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।